उत्तर प्रदेश का रामपुर शहर आज एक नए अवतार के रूप में हमारे सामने है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशों पर चलते हुए आज रामपुर का हर गांव, हर कस्बा विकास के पथ पर अग्रसर है। जनपद रामपुर में निर्मित स्वनिधि गलियारा शहर के सौंदर्यीकरण और वेंडर्स के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। इस गलियारे में 30 लाख रुपए की लागत से 300 दुकानें बनी हैं। रामपुर शहर के इस मॉडल से प्रेरित होकर अन्य जनपद भी इस मॉडल को अपना रहे हैं। जनपद रामपुर में ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त कराकर बिना किसी सरकारी बजट का उपयोग किए जन सहभागिता से अर्जित 1.5 करोड़ की धनराशि से प्रगति मॉल में 43 दुकानों का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर उठाए गए कदमों से प्रेरित होकर ग्राम पंचायत दनियापुर शंकरपुर में भूमि को कब्जा मुक्त कराकर सरस हाट का निर्माण कराया गया है। इस हाट को सुगम तरीके से संचालित करने के लिए 13 दुकानों तथा 10 ओपन स्टॉलों का व्यवस्थित तरीके से निर्माण कराया गया है, जिससे लगभग 250 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन द्वारा 9,200 लाख रुपए की स्वीकृत धनराशि से पनवाड़िया रामपुर में सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ऑडिटोरियम, प्रशिक्षण केंद्र, संगीत केंद्र, म्यूजिक स्कूल, दस्तकारी उद्योग, वायलन, चाकू, पतंग, कृषि उत्पादों तथा जरी वर्क के प्रशिक्षण एवं विक्रय का प्रावधान किया गया है। रामपुर एफपीओ से जुड़े 15,000 किसानों के सहयोग से सृजित मिलेट पोषण किट द्वारा 5,000 से अधिक कुपोषित बच्चों एवं एनेमिक बालिकाओं को सुपोषित किया गया है। नगर पालिका परिषद रामपुर के क्षेत्र अंतर्गत कूड़े के निस्तारण हेतु 140 टीडीपी क्षमता का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वीडियो रिकॉर्डिंग रूम की स्थापना की गई है, जिससे जनपद के 855 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनपद रामपुर के अंतर्गत बिलासपुर में 3 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है, जिसके लिए रिलायंस बायोगैस लिमिटेड को भूमि भी उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा जनपद रामपुर में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु 8,000 करोड़ से अधिक के एमओयू प्राप्त हुए हैं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में धरातल पर उतारने का काम तेजी से किया जा रहा है। रामपुर जनपद में किए जा रहे इन प्रयासों का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सपनों को साकार करना है।